अभी फिलहाल मैं डिमन स्लेयर एनिमे सीरीज देख ही रहा हूँ, और अब तक मैंने इसके 7 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर मुझे इसकी मूवी के बारे में पता चलता है। तो मैंने सोचा यार एक बार सीरीज को बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इसकी मूवी ही देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिमन स्लेयर मूवी मोगन ट्रेन के बारे में, शायद मैंने इसका नाम सही से लिया हो। तकरीबन ये मूवी 2 घंटे लंबी मूवी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काफी ज्यादा लेंथ है, मतलब एक बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट किया गया है। अगर आप लोगों ने डिमन स्लेयर एनिमे सीरीज देख रखी है तो ये मूवी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं ताकि ये मूवी समझने में आपको हेल्प मिल जाए। समझो एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर डीमन और इंसान दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन वो एक मिलकर नहीं रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। डीमन इंसानों को मारते हैं, और मतलब अगर वो किसी को काट लें तो दूसरे वाला सामने वाला इंसान भी डीमन बन जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो जोम्बी बन जाता है, देखो जोम्बी वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये डीमन बन जाता है। डीमन बनने के बाद इनका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, पावर आ जाती है इनके पास, अलग अलग पावर आ जाती है। हर किसी डीमन के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है, इनका लेवल भी अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, कुछ प्रो लेवल के डीमन है, कुछ लो लेवल के डीमन है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। इंसान जब डीमन बन जाता है तो इनकी इसकी सोच बदल जाती है, और फिर वो यही चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ डीमन ही इस दुनिया में राज करें, बाकी इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं। और इन डीमन से बचाने के लिए कुछ लोग जो हैं यहां पर अपनी एक आर्मी, एक छोटी सेना या फिर कुछ कह लो, इनको मारने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं जिनको डीमन स्लेयर कहा गया है। उन्हीं डीमन स्लेयर में से एक बच्चा है तंजीरो नाम का, जो उसकी फैमिली को पूरे एक डीमन जो है पूरी पूरी फैमिली को मतलब मार देता है। उसकी बहन डीमन बन जाती है, लेकिन वो डीमन बनने के बाद किसी को मारती नहीं है। देखो उसका रीजन अलग है, जब आप एनिमे सीरीज देखोगे वहां उसके बारे में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल जब मैं इसके एनिमे सीरीज देखकर इसका रिव्यू करूंगा तब आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इसमें कैसे डीमन को मारा जाता है, उनकी टेक्निक क्या है, जो डीमन स्लेयर है उनकी टेक्निक है, वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो चीजें यहां पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो अब इस मूवी की कहानी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तंजीरो और इसके दो साथियों को एक ट्रेन में एक मिशन के लिए भेजा जाता है। इनको बताया जाता है कि ट्रेन में एक डीमन जो है वो लोगों को मार रहा है, जाकर उस डीमन को खत्म करो। और जब ये ट्रेन में जाते हैं तो एक और डीमन स्लेयर वहां पर इनको मिलता है। इस डीमन स्लेयर का नाम होता है कोइजुरो रोंगुको, पूरा नाम कोइजुरो रोंगुको, शायद मैंने सही से प्रोनंसिएट किया, कोइजुरो ही मैं इसको कह लूंगा, क्योंकि यार ये काफी छोटा नाम है, याद भी हो जाएगा, प्रोनंसिएट भी सही से हो जाएगी। एक प्रो लेवल का डीमन स्लेयर है। इसका बात करने का ढंग बहुत मुझे जबरदस्त लगा, इसका फाइटिंग स्टाइल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। देखो जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्पीड पे स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं कि भागना शुरू हो जाती है। 1.5 घंटे तक ये डीमन आता है, इनको मारते हैं, लेकिन देखो शुरुआत से बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर रही है, फिर धीरे 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 ऊपर चढ़ रही है, और 1.5 घंटे के बाद जो इसमें एक्शन स्टार्ट होता है, भाई साहब ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे तक कोई एक्शन नहीं होता, 1.5 घंटे तक का एक्शन होता है, लेकिन जो 30 मिनट का जो एक्शन है ना वो अलग ही लेवल का है। ऐसा नहीं है कि आप 30 मिनट आप 1.5 घंटा मिस कर दोगे या स्किप कर दोगे, सीधा जाके 30 मिनट की मूवी देख लोगे तब आप लोगों को आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को अगर वो 30 मिनट इंजॉय करने हैं तो सच में आप लोगों को पहले वो 1.5 घंटा मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई हो पाओगे उस 30 मिनट को जब देखोगे। और सबसे अच्छी बात मुझे इस मूवी की यही लगी कि जैसे इसमें जो स्टोरी को धीरे 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 अप किया गया है, ऐसा नहीं कि अचानक से चढ़ा दिया, धीरे 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 हमारा इंटरेस्ट बनता है और लास्ट में तो भाई साहब एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और जो इसमें करेक्टर है सच में मुझे काफी ज्यादा, जो तंजीरो का जो करेक्टर वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया, जैसा उसका बिहेव है मतलब लोगों के प्रति, बस वो लोगों को बचाना चाहता है, किसी भी डीमन को वो लोगों को मारने नहीं देना चाहता। इवन उसके तो सहानुभूति काफी सारे डीमन्स के प्रति भी होती है, जैसे कि जब इसकी शुरुआत एनिमे सीरीज में मैंने देखी थी तो उसका डीमन को भी मारते हुए कतराता है ये। जब आप ये एनिमे सीरीज देखोगे तब आप वहां पर समझोगे, खैर मैं वहां पर नहीं जाता हूं, अपनी मूवी के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसका जो किसी ने इसको मतलब मारा होता है, इसके पेट में चाकू ऐसे घोंप दिया होता है, तब भी ये उस इंसान को बचाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि यार लोग इसको मेरा कातिल समझे, मुझे अपने आप को जिंदा रखना होगा ताकि लोग इसको कातिल ना समझ ले। तो ये वाली जो सोच मुझे दिखाई इस तंजीरों की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। केवल तंजीरों ही नहीं, इवन जो कोइजुरो है उसकी भी काफी ज्यादा मतलब दिल का जो व्यवहार है, मतलब दिल का क्या व्यवहार, जो उसका व्यवहार है वो काफी ज्यादा अच्छा है, सच्चा है, वो लोगों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ये सब होने के बाद जो ये मूवी है इसमें एक्शन तो है, लास्ट में जाके इसमें इमोशनल भी कर देती है, और वो इमोशनल वाली बात मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो एक स्पॉइलर है। देखो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यार जो जो ये मूवी है इसके अंदर एक्शन तो होंगे, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन
इस लेवल पे चले जाएंगे, इतने इतना डीप ये इमोशनल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इवन जितनी मैंने एनिमे सीरीज या एनिमे मूवीज देखी हैं, उसके अंदर जो सीरीज की एनिमे मूवी बनती है, और बाकी एनिमे मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी एनिमे सीरीज चल रही हैं उनकी अगर मूवी देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी उसके अंदर इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब इतना इमोशनली नहीं जाते हैं, डीप नहीं जाते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर वो डीप चले गए हैं। और इमोशनल करने के साथ साथ इन्होंने कॉमेडी का भी अच्छे से ध्यान रखा है। दो जो इसके साथ करेक्टर गए थे तंजीरों के साथ, वो काफी ज्यादा कॉमेडी का आपका ध्यान रखते हैं। एक तो पागल है मतलब मारने के लिए उतारू है, दूसरा लड़की के लिए उतारू पागल है, मतलब सिर्फ उसको लड़की बचानी है, वरना वो डरपोक है। जैसे उसके सामने लड़की आ जाएगी जो कि तंजीरों की बहन होती है, जैसे ये आ जाती है इसके सामने, बस इसके अंदर की पावर सामने आ जाती है। अब अगर बात करें इसके एनिमेशन की, काफी ज्यादा कमाल के क्या यार, मैं क्या कहूं इस एनिमेशन के बारे में, मेरे पास वो शब्द नहीं है। जब मैंने फाइट देखी थी लास्ट में कोजीरो की और एक जो अपर लेवल 3 का जो डीमन होता है, जो इन दोनों की फाइट हो रही होती है, वो इतनी जबरदस्त है यार, आंखों को मतलब एकदम से संतुष्टि देता है यार, बहुत अच्छा सा चीज चल रहा है। मतलब अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे देखूं तो मतलब अलग ही लेवल का मजा है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा था, इतना मुझे लगा कि यार ये लैपटॉप अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बट अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे देखता तो जो लेवल की फाइट थी वो काफी ज्यादा पसंद थी मुझे। मेरी तरफ से इस एनिमे मूवी को मैं देना चाहूंगा 9.5/10। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके 0.5 स्टार क्यों काट रहा हूं, बट काट रहा हूं ना ऐसे नजर ना लग जाए, 9.5/10 काफी है इसके लिए। अगर आप लोगों ने इस एनिमे मूवी को देख लिया है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये एनिमे मूवी कैसी लगी। और अब वो दूर रहना यार, ये हिंदी में डब है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी हिंदी यार भूल जाओ, एनिमे का हिंदी से कोई ताल्लुक है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। वो कार्टून नेटवर्क पे कभी आया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय हो चुके। तो नहीं देखिए तो जाकर देखो यार, अगर आप लोगों को एनिमे मूवी एनिमे सीरीज पसंद है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।